नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अंडरवर्ल्ड डॉन और इंडियाज मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी फारूख टकला ने तमाम प्रतिबंधों को धता बताकर आखिर किस तरह से भारतीय पासपोर्ट का रिन्यूअल करवा लिया, इसकी जांच अब बड़े स्तर पर शुरू कर दी गई है। क्या किसी राजनीतिक नेता की मदद से टकला को नए पासपोर्ट की सुविधा मिली? अब विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जांच पड़ताल तेज कर दी है। इस बारे में मीडिया में सूचना आने के बाद विदेश मंत्रालय ने दुबई स्थित काउंसलर से पूरी जानकारी मांगी है। उधर पिछले महीने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत पहुंचा खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटपाल को वीजा कैसे मिला, इसका भी सरकार पता लगा रही है। पूरी सच्चाई सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन इतना तो तय है कि पासपोर्ट और वीजा देने को लेकर बढ़ती जा रही सावधानियों पर कुछ सवाल जरूर उठ खड़े हुए। आप भी देखें हमारी ये रिपोर्ट। मुंबई बम धमाकों के आरोपी भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी फारूख टकला को गुरुवार को दुबई से भारत लाया गया। यहां आते ही सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब यह सूचना सामने आई है कि साल 1995 से फरार टकला के पासपोर्ट को वर्ष 2011 में रिन्यू किया गया है। खबरें ये भी आई हैं कि जिस दिन उसने दुबई स्थित वाणिज्य दूतावास में पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया, उसके अगले ही दिन उसका काम हो गया। लेकिन सवाल ये है कि टकला या उसके जैसे अन्य अपराधियों को पासपोर्ट जारी ना हो, इसको लेकर भारत सरकार की कोई नीति है या नहीं? अगर ऐसी नीति है तो क्या वो इतनी कमजोर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा अपराधी भी उसमें सेंध लगा सकता है? इस बारे में पूछने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कहना है कि देश में पासपोर्ट या वीजा जारी करने की एक प्रक्रिया है जिसका हर देश में पालन होता है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार दुबई स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से मामले में जानकारी ले रही है। उनका पासपोर्ट का रिन्यूअल कैसे हुआ टकला का दुबई में, और मैंने ये कहा कि इस बारे में मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ अपने कॉन्सुलेट से दुबई से। पासपोर्ट इशू करने का और पासपोर्ट के रिन्यूअल की एक प्रक्रिया होती है, और हम ये पता लगा रहे हैं कि इस केस में, इस विषय में क्या हुआ है, और इसकी और जानकारी इसकी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। Why the UPA Congress couldn't do it in 10 years? What steps they had taken to bring him back? On the contrary, now the reports are coming that the passport was also renewed. It clearly reveals their intent, their commitment, and also the lackadaisical manner in which such issues were pursued under them. Why don't you just find out? Why don't you just file an RTI and find out? What is the problem? Passports are renewed all the time. Passports are not renewed. Ministers are not there. Maybe their ministers now do only visas and passports. But that's not what foreign ministers did in our time. In 2011 mein UPA ki sarkar thi aur us samay uske passport ka renewal hona gambhir ghatna hai. Takla Daud ka bahut kareebi sahyogi hai aur kai waardaton mein shamil tha. इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की डिनर पार्टी में खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल को आमंत्रित किए जाने पर हंगामा मच गया था। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कनाडाई उच्चायुक्त नादिर पटेल ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के लिए अटवाल को आमंत्रित किया। उच्चायोग ने बाद में अटवाल का आमंत्रण रद्द कर दिया था। अटवाल को 1986 में पंजाब के तत्कालीन मंत्री मलकीत सिंह सिंधु की वैंकूवर में हत्या का प्रयास करने का दोषी ठहराया गया है। इस मामले में भी सरकार तथ्यों का पता लगाने में जुट गई कि दोषी करार दिए गए खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को भारत आने का वीजा कैसे मिला और वो कनाडा से भारत कैसे आया। लेकिन इतना तो तय है कि संदिग्ध बैकग्राउंड के लोगों का काम आसानी से हो जाता है और उनके आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट, वीजा जैसे जरूरी कागजात बिना किसी रुकावट के बन जाते हैं। सरकार चाहे यूपीए की हो या फिर एनडीए की, अवैध काम जारी रहते हैं, जो साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। और जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा, सरकारों की तमाम जन कल्याणकारी और देश की तरक्की को लेकर बनाई गई योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाएंगी और सिस्टम में लगा दीमक इन्हें कभी सफल नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
यहाँ तो सवाल सिस्टम को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर ये हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या राजनेताओं की मदद से इस तरह के हथकंडे होते हैं, आखिर कमी कहाँ पर रह जाती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। अजय वर्मा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, साथ ही हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेजर जनरल शशि अस्थाना जी हैं, और अशोक ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मैं मेजर जनरल शशि अस्थाना जी आपसे ही करूँगा, कितनी महत्वपूर्ण है फारूक चकला की गिरफ्तारी भारत के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि इस किस्म की गिरफ्तारी हमारे लिए बहुत ही आशाजनक है, क्योंकि चाहे किसी ने भी मदद करी इस गिरफ्तारी में, चाहे CIA की मदद करी, इसमें हमें धन्यवाद देना चाहिए UAE गवर्नमेंट का भी क्योंकि उन्होंने भी इनको डिपोर्ट करा, और चाहे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इन सब के मेल मिलाप से जब भी इस किस्म का एक दाऊद का करीबी एक मिलिटेंट पकड़ा जाता है तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हम सबके लिए। लेकिन जैसा कि आपने अपने अभी वीडियो में भी दिखाया जी, कुछ सिस्टमेटिक कमजोरियां हैं जिन्हें हमें दूर करना पड़ेगा जी, और ये गवर्नमेंट चाहे एक पार्टी की हो या दूसरी पार्टियों की, इस बात इससे ये लागू नहीं है जी। हिंदुस्तान के तौर पे, इंडिया के तौर पर हमारी कुछ सिस्टमेटिक कमजोरियां, लॉ बहुत सारे हैं और सब अपनी जगह है, कोई उसमें परेशानी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है। और दूसरी कमजोरी है इंटेलिजेंस शेयरिंग। हमारे सब डिपार्टमेंट अलग अलग अपने अपने कंपार्टमेंट में काम करते हैं जी। जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है उसकी इंफॉर्मेशन पासपोर्ट ऑफिस में नहीं होती है, जो मिलिटेंट है या जिसने एक मिलिटेंट एक्शन किया है बंबई में, उनकी सूचना जो है वो भी MEA में कहीं ना कहीं नहीं होगी। अब ये लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, जहाँ तक जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने बताया जी, कि हम लोग इसकी जांच करेंगे तो जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि देश में बदलाव आना और देश को स्ट्रांग बनाने के लिए जी, ये अकेली सरकार काफी नहीं है, हर आदमी जो जो इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू है, जिसकी जिम्मेवारी है उसको हर एक को अपना अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी, तभी हो पाएगी। जिम्मेदारी तय नहीं है, है? जिम्मेदारी तय नहीं, जिम्मेदारियां तय हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में नहीं प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं जी, नीरव मोदी जी चले गए, इतने दुनिया भर के लोग हैं जिनके नॉन NPS बैंक को मालूम है। अब जितने ये NPS बैंक को मालूम है, एक बड़ा छोटा सा अगर स्टेप उठाया जाए जी, कि ये सारे NPS की इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कि इनके पासपोर्ट को आप ब्लॉक कर देंगे, जिस दिन ये NPA पूरा चुकता कर देते हैं, देश का कर्जा चुकता कर देते हैं, उस दिन उस वो रोक हटा दी जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई चला जाएगा। जो नॉन प्रोफेशनल जो NPS हैं जी, इन की जानकारी ये ऐसा नहीं कि बैंक को नहीं है, ये तालमेल की बात आप कर रहे हैं कि जो तालमेल का अभाव है कहीं ना कहीं इसका फायदा, इन लूपहोल्स का फायदा कुछ लोग उठाने में कामयाब हो जाते हैं। अशोक ठाकुर जी मैं आपके पास आऊंगा, जब तमाम चीजें सामने आ रही हैं धीरे धीरे कि कहां पर ये फेल्योर है जिसका फायदा कुछ लोग उठा लेते हैं, तो अब इन लूपहोल्स को लेकर सरकार की क्या कुछ आगे स्ट्रेटेजी रहेगी? अक्षय जी, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, आज उसी का परिणाम है कि जो UAE जैसा देश, जो कल तक दाऊद जहां पर अपने आप को शेल्टर लेता था, आज उसका गुर्गा जो है उन्होंने डिपोर्ट किया है भारत को। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है और ये एक कड़ी है, और इससे बहुत सारी जानकारियां जो पिछले UPA शासनकाल के 10 वर्षों में जिस तरह के आतंकवादियों नक्सलियों के साथ कांग्रेस सरकार के संबंध थे, जिस तरह से उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया, जिस तरह से उनके पासपोर्ट्स, आधार कार्ड, लिंक्स या बाकी चीजें बनी, आज जिस तरह से बांग्लादेश से आकर लोग यहां पर अपने कार्ड बनवा लेते हैं जबकि बाहर के जो हमारे देश के नागरिक है उनको बनवाने में तकलीफ आती है जी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से भी
इस दृष्टि मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी कमियां रही हैं पिछले वर्षों में और हमारी सरकार ने उसको बहुत हद तक सुधारा है और अब उसके परिणाम आने शुरू हुए हैं। दाऊद का भाई भी पकड़ा गया, दाऊद का अभी ये बहुत बड़ा गुर्गा जो है फारूक टकला जो है उसको भी डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार की सफलता है और लगातार इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चले ठीक है, आपने अभी जिस बात का जिक्र किया है, आपने पिछली सरकार की तरफ इशारा किया है, जब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह का समर्थन देते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, देश की जनता ये भी तो जानना चाहती है। इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अजय वर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कितनी बड़ी सफलता के तौर पर इसको देख रहे हैं और साथ ही जो फारूक टकला का भारत आना, इसमें भारतीय जो एजेंसियां हैं उनके रोल को किस तरह से देख रहे हैं, एनएसए की भूमिका को किस तरह से? मेरे मित्र अभी कह रहे हैं इनकी बौखलाहट देखिए, देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट दिख रही है उनके बयानों से, त्रिपुरा में बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं की बौखलाहट दिख रही है मूर्ति तोड़ने पर, मैं कह रहा हूं वहीं आ रहा हूं, और अशोक ठाकुर जी की बौखलाहट दिख रही है, आते ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कांग्रेस पार्टी पर। 2014 पे आप चले जाइए, जब चुनाव शुरू हुआ, इस देश की मासूम पीसफुल जनता से वादा किया गया कि 1993 बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपी प्लस दाऊद को 14 के सरकार बनने के तुरंत एक माह और 40 दिन के अंदर हिंदुस्तान लिया जाएगा। 14 से भागते भागते 18 खत्म शुरू हो गया, 3 महीने 18 के गुजर गए, 100% का टारगेट था और सारी योजनाओं की भातिर वही दाऊद की जगह एक उसका गुर्गा, पता नहीं किस लेवल का गुर्गा है, आप उसे बढ़ा के दिखा दीजिए, चढ़ा के 5% पे आपकी इंटेलिजेंस ने, आपकी सिक्योरिटी ने, वो भी दाऊद का भाई ये कह रहा है कि मेरी वजह से, उसका टकले का भाई जो कह रहा है कि वो मेरी वजह से इंडिया आया, हम इस पे कोई गुरेज परहेज नहीं है, वो किसकी वजह से इंडिया आया है, एक अच्छा काम हुआ है, आतंकवादी अगर पकड़ के आया है, लेकिन जो टारगेट में सरकार फेलियर है, जो टारगेट सरकार ने वादा किए थे, जो जनता को लुभावने सपने दिखाए थे 14 में, उनमें सब में सरकार फेल है। अब 2019 की तैयारी के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसमें वही आंकड़े की बाजीगरी और इस तरह की चीजें कम दिखाकर, आपको लग रहा है कि फारूक टकला को लेकर जो भी बताया जा रहा है वो पीठ बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, तबाही जाएगी। अजय वर्मा जी, जो टारगेट था दाऊद को लाने का, जो टारगेट था मुख्य आतंकियों को पकड़ने का, जो टारगेट था कश्मीर के ऊपर, उन सब पर आपकी सफलताएं कितनी परसेंट रही, निलबटा ली है चीजें देख लीजिए। ये गुर्गा अगर पकड़ के आ गया है तो इसके लिए हम इंटेलिजेंस को बधाई देंगे, इसके लिए हम उन संस्थाओं को बधाई देंगे जिसकी कोई किसी भी वजह से लगाओ, लेकिन इसमें देश की सरकार जब कोई मुद्दा आता है तो उसे भुनाने में कसर नहीं छोड़ती है और जब बैक फेलियर होती है तो उसका आरोप दूसरी पार्टी और विपक्ष पर और पुरानी सरकार पर लगाती है। गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, ये एक दूसरे पर सिर्फ कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है या फिर वाकई में अब आपको लग रहा है कि सिस्टम में जो सुधार की बात कही जा रही है उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, ना कि एक दूसरे को आरोपों के घेरे में खड़ा करने के? देखिए अक्षय जी, मेरे से प्रश्न आपका, अशोक ठाकुर जी मैं आपके पास आऊंगा, ये मेरा गोविंद जी से सवाल था। सिस्टम में कमजोरियां हैं, सरसी अस्ताना साहब ने भी जिस तरह से अपनी बात यहां पर रखी उसमें उन्होंने इस बात की तरफ साफ इशारा किया कि सिस्टम में कमजोरियां हैं, लेकिन हमको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि इस सरकार के आने के बाद सिस्टम को ठीक करने की बहुत सारी कोशिश हुई है, और चाहे वो वादों की बात करें, अभी यहाँ पर कहा गया कि इन्होंने उस समय इतने दिन के अंदर दाऊद को लाने का वादा किया था और कहाँ गया वादा, इन्होंने कम से कम वादा तो किया था, और आज कुछ हद तक कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों की संपत्ति सील हुई है, उस पूरे मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होती दिख रही हैं। अब जो पिछली सरकार थी उसने तो लगभग 10 साल से ज्यादा वक्त तक कोई कार्रवाई तक नहीं की और कार्रवाई करने की बात तक नहीं की, तो ये राजनीतिक प्रपंच अपनी जगह है, लेकिन असलियत यह है कि जो हमारे नियम कानून हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनमें इतने सारे छेद हैं कि कोई भी चतुर व्यक्ति, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने धनबल के आधार पर, अपने संपर्कों के आधार पर उन छेदों के जरिए अपने लिए रास्ते निकाल सकता है, और अगर फारूक टकला का पासपोर्ट एक वांछित अपराधी उसके होने के बावजूद और भगोड़ा घोषित होने के बावजूद अगर उसका रिन्यू वो हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं छेदों का फायदा उठाने की बात है। अब उसमें पूर्व सरकार का कोई मंत्री था नहीं था ये तो आगे जांच के बाद साफ होगा, लेकिन ये तो हकीकत है कि उसके पासपोर्ट का रिन्यूअल हुआ, तो रिन्यूअल कैसे हुआ? एक सामान्य आदमी अगर
देश के अंदर उसको अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करना होता है, तो आज भी इतनी सारी व्यवस्थाओं में सुधार के बाद और इतनी सारी जो नए तरीके आ गए हैं, सिस्टम को बहुत आसान बनाने की बात की गई है, उसके बाद भी किसी सामान्य नागरिक के लिए अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल कराना बहुत आसान काम नहीं होता। उसके 3-4 दिन खराब होते हैं और एक खास तरह का मानसिक संतरास उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन अपराधी व्यक्ति, उसका पासपोर्ट रिन्यू हो जाए, उसका पासपोर्ट बन जाए। अबू सलेम के बारे में आप सब जानते हैं किस तरह से उसका पासपोर्ट बिल्कुल फर्जी आइडेंटिटी से उसका पासपोर्ट बन गया था। और बहुत सारे अभी इस तरह के मामले पकड़े गए जिनमें एक व्यक्ति के पास 3-3, 4-4 पासपोर्ट है। या अभी नीरव मोदी के जिस पासपोर्ट को सस्पेंड किया गया, अभी हमको ये नहीं पता है कि उसके पास बेल्जियम का पासपोर्ट है या नहीं। और अगर उसके पास बेल्जियम का भी पासपोर्ट है तो हमारा पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद भी उसके मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार को इस दिशा में बहुत सारी चीजें अभी पैंच कसने की बहुत जरूरत है, और खास तौर पर पासपोर्ट को लेकर, क्योंकि ये प्रवृत्ति हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रही है कि अब जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अपराधियों का या जायज लोगों का भी भारत से बाहर जाना बहुत कठिन काम नहीं रहेगा। अभी हाल में रिपोर्ट आई थी कि भारत से तमाम अमीर लोग बाहर जाके दुनिया के दूसरे देशों में वहां रहना पसंद कर रहे हैं, और वो अपनी संपत्ति यहाँ से धीरे धीरे वापस पहुंचा के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। तो ऐसे मौके पर, ऐसी परिस्थितियां जब दुनिया की हैं, तो कम से कम हमको अपने पासपोर्ट के नियमों को तो इस तरह से बनाना चाहिए कि कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति उसका फायदा ना उठा सके और वो उसका फायदा उठाकर बाहर ना जा सके। बिल्कुल जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनमें बहुत कड़े नए नियमों की जरूरत है। आपने बैंक्स के लिए अभी सुधार की बात है कि 50 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर के डिफॉल्टर्स जो होंगे उनकी पासपोर्ट की जानकारी बैंक को देनी होगी, लेकिन क्या एक बैंक मैनेजर की यह हैसियत है कि वो उस जानकारी के बाद किसी ऐसे व्यक्ति का विदेश जाना रोक सके? जब तक आप विभागों के बीच में तालमेल नहीं बना के रखेंगे, और कंप्यूटराइजेशन के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत कठिन किस्म का काम है। अगर उसकी एक जगह एंट्री है और एक जगह ये तय है कि उसको उस पर इस तरह की देनदारी है, वो बाहर नहीं जा सकता, तो किसी भी एयरपोर्ट पे जहां से वो बाहर जाने की कोशिश करेगा वहीं पे उसे रोका जा सकता। तो सरकार को मुझे लगता है इस दिशा में कड़े कदम उठाने चाहिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। शशि अस्थाना जी ने भी इसी बात को लेकर सवाल उठाया। सर, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आम लोगों के जहन में ये सवाल सीधे जाता है कि उस वक्त किसकी सरकार थी, यानी कि उस सरकार की शह पर भगाया गया, या जो भी आरोप लगते हैं, चाहे नीरव मोदी का प्रकरण हो या फिर ये फारूक टकला की बात कर रहे हो 2011 का प्रकरण कि तब रिन्यूअल किया गया, क्या सीधा सरकार पर आरोप लगा देना कि सरकार के इशारे पर ऐसा हुआ? ठीक है, देखिए जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है और सरकारों का सवाल है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इसलिए आरोप सरकार पर लगाना कितना जायज है कितना नहीं जायज है, इस चीज के ऊपर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें सरकार के कंट्रोल में नहीं होती हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि चाणक्य नीति में भी ये लिखा गया है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन लेने की ताकत, पहले पुराने जमाने में गुप्तचर हुआ करते थे, वो इंफॉर्मेशन को पहले लेना जी, उसको इस्तेमाल करना और उसको इस्तेमाल करने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करना, इन सब जगह पर ईमानदारी बरतना, ये पूरे सारी एजेंसी जो जो इन्वॉल्व है उनकी जिम्मेवारी है। जब तक ये नहीं हो पाएगा सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, सबसे पहली बात जी। दूसरी ये है कि सरकार के ऊपर सवाल सिर्फ उठ सकता है इंटेंशन के बारे में कि अगर कहीं मेल मिलाप करके कोई आदमी फायदा उठा गया वो एक बात है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह है, ये इंडिया के लिए कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है कि एक किसी भी देश के लिए जी, एक होती है ओवर्ट ऑप्शन, जैसे कि जो दिखाई देने वाली ताकत है, जो हमें क्षमता पैदा करनी है, और दूसरी एक होती है कवर्ट ऑप्शन जो दिखाई नहीं देती है जी, जैसे कि CIA और KGB, इन लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं। अब आप ये देखिए, उन्होंने इसको उसामा बिन लादिन को मार गिराया, हम अभी तक दाऊद को ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो ये एक
कमी है जो कि हमारे 70 साल में ये इतिहास में ये कमी अभी रह गई है जिसे हमें पूरा करना है। हम यंग नेशन है, 70 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है एक देश के लिए, इसलिए ये बढ़ेंगी कि सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन ये जो क्षमताएं हैं ये धीरे धीरे बढ़ेंगी। मैं आशावादी आदमी हूँ, मुझे लगता है कि कोई कोई भी करेगा लेकिन ये बढ़ेंगी क्षमताएं, और ये क्षमताएं बढ़ाना जरूरी है। तो ओवरट ऑप्शन भी है जो दिखने वाली चीजें हैं, जैसे कानून है और अभी इतने सारे नियम बनाए गए हैं और कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, कुछ के रिजल्ट अच्छे नहीं दिखाई दिए। जैसे डिमोनेटाइजेशन इंटेंशन बहुत अच्छा था, कुछ हद तक पथराव भी रुका कश्मीर में, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले बैंक ऑफिशियल ही मिल गए, कुछ करप्ट बैंक ऑफिशियल्स ने, कुछ आईटी डिपार्टमेंट के लोगों ने, कुछ आरबीआई के लोगों ने, इन सब ने मिला के उसका भट्टा बैठा दिया। तो इस तरीके से हर चीज जो है उसके लिए सरकार अकेली को जिम्मेवार ठहराना, किसी की भी सरकार हो भागीदारी इसमें सुनिश्चित होने चाहिए, जिम्मेवारी उनकी है, जिम्मेवारी मानी जाती है। जिम्मेवारी में नंबर दो हिस्सा आता है ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि हमेशा साफ बच जाते हैं, पावर उनके पास होती है लेकिन वो साफ बच जाते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। ये एक और कमी है हमारे सिस्टम जी, जिस सिस्टम जिसको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, पावर के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। बिल्कुल उसी जिम्मेदारी तय होने की बात भी हम कर रहे थे कि ये जिम्मेदारी क्या तय होनी चाहिए कि जब भी जवाब की बारी आएगी तो आपको जवाब देना होगा। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर कौन सा वो राजनेता था जिसकी तरफ से मदद की गई और रिन्यूअल कर दिया गया एक दिन के अंदर। देखिए, हम तो एक चीज ये कह रहे हैं, दोषी कितना ही बड़ा हो और कितना ही पावरफुल हो और किसी भी पार्टी का हो, मुद्दा ही नहीं है। जो देशद्रोही का, आतंकवादियों का, जो देश के हितों से खिलवाड़ करेगा, टकराव करेगा, उसके खिलाफ खाली जुमलेबाजी ना हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे आप हो, मैं हूं या और जो लोग बैठे हों, उसमें कोई भी कोताही सत्या नहीं बरती जानी चाहिए। जो सिस्टम में छेद की बात, आरोप लगाने की बात, छूटते ही कांग्रेस पार्टी, छूटते ही 70 साल, छूटते ही ये चीजें करते हैं, इनको छोड़ते हुए आपकी क्या क्वालिटी है, आप में क्या किया। अब जैसे 19 मार्च तक इसको सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया गया है, ठीक है, आप खुलवाइए, निकलवाइए, बेनिफिट ऑफ डाउट्स ना दिए जाएं इसको, और इसके खिलाफ इसमें जो भी सम्मिलित पाया जाए, वो कांग्रेस पार्टी से हो, बहुजन समाज पार्टी से हो, सपा से हो, बीजेपी से हो, ऐसा ना हो कि इसको चुनावी रणनीति के तहत टहला बहला दिया जाए और बस इसको। लेकिन चूक को स्वीकार कर रहे हैं कि आपके शासनकाल के दौरान ये चूक हुई तो है, इसका सर सामने आना चाहिए। हमने ये कहा है कि सरकार अभी नीरव मोदी भाग गए, पूरा देश उनको टीवी में मोदी जी के साथ देख रहा है, तो जिम्मेदारी तो आप ठहरा ही रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि भगा दिया गया। सुब्रमण्यम इसको स्वीकार कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का एक ट्वीट इस पे आया है कि अडानी पढ़ सकते हैं आपको, तो आपको मैं भेज दूंगा कि अडानी ग्रुप के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, इस पे भी कोई रोक की व्यवस्था की जाए ताकि ये देश ना छोड़े, और जिसमें 12,000 रुपए कर्जा जब एसबीआई ने मना कर दिया था तो वो मोदी जी के डायरेक्ट कहने पर दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, जब देश का मुखिया ही, प्रधान सेवक और प्रधान चौकीदार ही प्रधान काम प्रधान लोगों को करेंगे, तो इसमें मैंने क्या कहा है, आप बोलते बहुत हैं, जुमले करते हैं, आप अरेस्ट करिए, खिलाफ कार्रवाई करिए। जवाब आपने नहीं दिया अभी भी, क्या बताइए। मेरा सवाल था कि आप लोग स्वीकार करते हैं कि अगर आपके शासनकाल के दौरान ऐसा हुआ तो चूक निश्चित थी। हमने तो ये कहा है कि हमारी सरकार तो बैसाखियों पे चलने वाली सरकार थी, आपकी सरकार तो मजबूत चल रही है, 4.5 साल होने जा रहे हैं, क्या आप उसका आकलन पालन 4 साल दबाव था किसी तरह का? फिर अगर आप करें कि हमारी सरकार बैसाखियों पर चलने वाली सरकार थी तो क्या हमारी सरकार ने ना किसी कार्य में संलिप्त थी, ना किसी ऐसे कार्य को सपोर्ट करती थी? अगर किसी ने क्या तो कार्यवाही करिए, बंद करिए, उसके अरेस्ट लीजिए। अशोक ठाकुर जी, कब तक पहचान हो पाएगी, कब तक जांच पड़ताल पूरी हो पाएगी? क्योंकि इस तरह के मामले होते हैं, हो हल्ला खूब होता है, उसके बाद रिजल्ट सामने नहीं आ पाता, लोग चाहते हैं कि रिजल्ट कब सामने आएगा। अक्षय जी, आपके सामने अभी रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो पकड़े जा रहे हैं ये रिजल्ट ही तो है। 4 साल दाऊद की संपत्तियां सील हो गई, उनका ऑक्शन शुरू हो गया। मेरा कहना यह है कि जरा कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता कह रहे हैं तो एक जो तथ्य है उनको समझना पड़ेगा, कांग्रेस के टाइम में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। आपके सामने जो देश के 250 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ गई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केवल 57 जिलों में सीमित हो गई थी, अब हमारी सरकार आने के बाद एक बार फिर वो कम हो गई,
इन्होंने जो नक्सलियों को समर्थन करने वाले लोग थे उनको प्लानिंग कमीशन में, उनको नेशनल एडवाइजरी कमेटी में, काउंसिल में डाला, उनको नॉमिनेट किया। तो ये समझना पड़ेगा कि आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, नक्सलवादियों को समर्थन करने वाले लोगों को जिस तरह से सरकार का हिस्सा बनाया कि आप पहचान क्यों नहीं करते, उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, हम पहचान सरकार में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, कितनों के खिलाफ सवा चार साल में कार्रवाई की है आपने? उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई चल रही है। लोकपाल आज तक आप बना नहीं पाए, लोकपाल आज तक बना नहीं पाए। लोकपाल की मांग करने वाले लोगों को गवर्नर बना दिया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई उपराष्ट्रपति बन गया। लोकपाल के लिए आपने जो प्रोपेगेंडा 11 में किया था, झूठे वादे, जुमले और झूठी, अब तो जवाबदेही का वक्त भी आ गया ना जबरम जी, अब तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो जवाब देना पड़ेगा इनको भी और आपको। अक्षय जी, अशोक ठाकुर जी, मेरा सवाल सिर्फ उतना ही है अक्षय जी, हमारे जांच कब तक पूरी होगी, पता होना चाहिए ये जांच कब तक पूरी होगी। इस तरह जहां जो लश्कर की आतंकवादी थी सर, इधर उधर मत जाइए, अशोक ठाकुर जी इधर उधर खेल है कि तू इधर उधर की बात ना कर और ये बता कि काफिला कैसे लूटा। सीधा सवाल ये है, सीधा सवाल आपने कह दिया कि पिछली सरकारों इन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ तो कार्रवाई की नहीं, इस तरह से लोगों को फायदा पहुंचा, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल भी गिराने की कोशिश करी अपने काल में, पीडीपी को समर्थन देकर सरकार नहीं चलाते जो अपना झंडा अलग लगाते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, हम कश्मीर में सरकार नहीं चलाते, हम त्रिपुरा में भी उस देशद्रोही के साथ सरकार नहीं लड़ाते। आपकी नीति और नियत दोनों खराब है हिंदुस्तान के मामले पर। आपका सर्वोपरि कांग्रेस मुक्त भारत हो और बीजेपी युक्त भारत हो, आरएसएस अपना झंडा लेकर चलती है। आज तक कांग्रेस, आज तक देश का तिरंगा आरएसएस ने मुख्यालय में नहीं फैलाया नागपुर में। आप जवाब दीजिए, उसके साथ सरकार बना के चलते हैं, उनके कहने से आपके चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री एक संवैधानिक तरीके से आप देश के तिरंगे का अपमान करते हैं और बातें नकली जुमला करते हैं। हाँ। आप कश्मीर में आप तिरंगे का अपमान करते हैं, अब त्रिपुरा में वही काम आप करने जा रहे हैं। और आपके गृह मंत्री एफिडेविट बदलवाते हैं इसरत जहां का, यही काम एक आतंकवादी करने जा रहे हैं मेरे भाई। सिस्टम को कैसे सुधारा जा रही है, आप लोग बीजेपी और कांग्रेस से आगे बढ़ नहीं पाते, देश की सुरक्षा से उसको कोई सरोकार नहीं है, देश की इंटेलिजेंस के अधिकारी, देश के सरकार से कोई व्यवस्था नहीं, मुद्दों से भटक जाते हम बात करें अंडरवर्ल्ड डॉन और इंडियाज मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम की, जिसका करीबी सहयोगी फारूक टकला तमाम प्रतिबंधों को धता बताकर आखिर किस तरह से भारतीय पासपोर्ट का रिन्यूअल करवाने में कामयाब होता है, इस बात की जांच बड़े स्तर पर अब शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है क्या सच सामने आ पाएगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा देने से ही काम चलेगा क्या गोविंद जी? अशोक ठाकुर जी ये अब तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक जांच पड़ताल होगी और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या वाकई में कार्रवाई होगी जिन्होंने मदद की। देखिए अक्षय, कार्रवाई तो होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो चीजें रुकेंगी नहीं। लेकिन कार्रवाइयों की हकीकत क्या होती है, मैं आपको 2007 में मोगा में फर्जी पासपोर्ट का एक मामला हुआ था जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों के पासपोर्ट बनाए गए थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो खालिस्तान और उस तरह के आतंकवाद की उनसे भी जुड़े हुए थे। उस मामले में 2017 में अदालत में वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचा है और 25 लोगों को उसमें सजा हुई है। 150 से ज्यादा लोग जो उसमें आरोपी बनाए गए थे उनका वेयर अबाउट्स का पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो दुनिया के किस हिस्से में है या भारत में है, तो किस तरह से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ये तो कार्रवाइयों की हकीकत है कि हमारे देश में किस तरह से कार्रवाइयां होती हैं, और अगर कार्रवाइयां वक्त पर हों, सख्त हों, तत्काल फैसला हो तो सिस्टम को उसको बेहतर भी बनाया जा सकता है और उसमें जो छेद है उनको भी बंद किया जा सकता है। लेकिन जब आप एक मामले की सुनवाई में 10 साल से ज्यादा लगते हैं और 10 साल बाद वो किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचता है, तब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती हैं और उन 10 सालों में न जाने इस तरह के कितने घोटाले हुए होंगे। अभी करीब 1.5 वर्ष पहले लखनऊ में पासपोर्ट अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को खाड़ी देशों में जाने के लिए जिस तरह से इमिग्रेशन पर उनको लाभ पहुंचाते थे उस मामले में, और वो बहुत उच्च स्तर की इंटेलिजेंस
रिपोर्ट्स के बाद वो गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्थितियां तो बदली नहीं है, नियम कानून वैसे ही चल रहे हैं, जो लोग धंधा कर रहे हैं वो लोग उसी तरह से धंधा कर रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट आप कितने व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश करिए, हर 10 दिन में कहीं ना कहीं से फर्जी पासपोर्ट बनाने की या फर्जी पासपोर्ट के द्वारा पकड़े जाने की या एक आदमी के पास 5-5, 6-6 पासपोर्ट होने की खबरें आती, तो ये बड़ा सवाल है। आप अपराधियों के खिलाफ अगर इस तरह से सख्ती नहीं बरत सकेंगे तो ये बहुत आसान बात है कि लोग अपराध करेंगे, और आज की दुनिया में कहीं भी जाकर रहना बहुत कठिन नहीं है। भारत के बहुत सारे अपराधियों के लिए अगर मिडिल ईस्ट की तरफ या जो यूएई और इस तरह के देश है वहां उनके लिए हेवंस हैं, तो बैंकॉक, थाईलैंड और सिंगापुर, हांगकांग, इस तरह के देशों में भी लोग रह रहे हैं, इसी तरह के आतंकी और इसी तरह के अपराधी लोग, तो सिस्टम को कार्रवाइयां तत्काल हों। और ये कम से कम पासपोर्ट से जुड़ा मामला ऐसा है कि इसमें केंद्र सरकार अगर चाहे तो अपने नियमों को दुनिया के दूसरे देशों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर इस तरह की तो व्यवस्था कम से कम कर सकती है कि धांधली ना हो, गलत पासपोर्ट ना बनने पाए, और अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो कम से कम वो अपने पासपोर्ट के जरिए बाहर विदेश न जा सके। इन इसके लिए त्वरित कार्रवाइयां जरूरी है, और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, अभी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता झंडे वंडे की बात कर रहे थे, ये बीजेपी को कोस रहे थे झंडों के लिए, इनकी पार्टी कर्नाटक के अंदर एक राज्य का अलग झंडा लेके आ रही है, वो तो इनकी पार्टी खुद कर रही है, इसके लिए ये किसको जवाब देंगे? तो ये राजनीतिक दलों का सिर्फ अपना एक प्रपंच है हल्ला गुल्ला करके अपनी बात को सही साबित करना, और असलियत के मुद्दों को ये लोग किनारे करना करना इनकी प्राथमिकता में होता है, और इसीलिए इस तरह की चीजें सामने आती। बिल्कुल अजय वर्मा जी, इस पर कुछ जवाब आप देना चाहेंगे? गोविंद जी, आपको नमन है, धन्य है, आप बहुत सादगी से, बहुत प्यार से, ज्ञानवान तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पुराने हैं, सीनियर हैं, कितनी खूबसूरती से सरकार को पक्ष को रख दिया जाता है, आपको मतलब आपसे सवाल कर दिया जाए तो वो सवाल आपसे नहीं किया जाना चाहिए, सामने वाले से सवाल किया जाए, आपकी पार्टी से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। बैठे हैं उन्हें सिवाय कोसने के और आरोप लगाने के उनसे तथ्यात्मक बात नहीं करते, वो एडवोकेट भी हैं। नहीं तो इस पर भी तो जवाब दीजिए ना, जो कर्नाटक में अलग अलग झंडा, ये चुनावी स्टंट है क्या? और सत्ता के नशे में और मद में चूर होकर इस पर जवाब तो दे दीजिए ना, कर्नाटक में ये क्या, ये चुनावी स्टंट है क्या? क्या अलग से झंडा लेकर आप बताइए क्या हो रहा है कर्नाटक के? तिरंगे की बात कर रहे थे ना भैया, गोविंद जी पूछ रहे हैं, हमने ये कहा कि इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, इस सब के लिए इस बीजेपी की, इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा दायित्व सरकार का होता है, आप रोकिए उसको, इसके लिए खत्म करिए ऐसे लोगों को, जिम्मेदार है, मैं कह रहा हूँ आप रोकिए उसको, सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर तो जवाब दे, उसके तो जनक भी आप ही है ना, जब आप जनक है तो बच्चे आपसे यही उम्मीद करेंगे, जब आप माँ बाप ये काम कर रहे हैं तो बच्चे और क्या उम्मीद करेंगे? जैसे अभी हमारे भाई अशोक जी कहते हैं कि सब कांग्रेस, इस पर आपने जवाब नहीं दिया, अभी जो गोविंद जी ने सवाल किया उस पर आपने जवाब नहीं दिया, क्या अब फिर इधर उधर की बात कर रहे हैं? मैंने ये अलग झंडा, इसका क्या मतलब निकाला? मैंने आपसे कहा तो सही कि जब माँ बाप ये काम कर रहे हैं कश्मीर में बंद, तो मानना है कि गलत रास्ता है, माँ बाप ये काम कर रहे हैं कि ये बच्चे उसी लाइन पर चलेंगे, आप इनको कुछ कड़वी दवाई इसलिए लाई जाती है, रोके बिल्कुल परमिशन ना दे कि ताकि इन्हें पता चले कि जो काम इनके पिता कर रहे हैं, आपकी बच्चे अगर अभी तक तिरंगा लेकर आप चल रहे थे, बच्चे राय दिखाने के लिए मांग कर सकते हैं, आइडियोलॉजी नहीं हो सकती कि देखिए आप ये काम जो कर रहे हैं इसका नतीजा। हमारा मुद्दा आज का ये नहीं है, लेकिन आप ही इसको चर्चा में लेकर आए थे इसलिए सवाल था, और सवाल तो पूछा ही जाएगा चाहे वो कोई भी दल हो, है ना? अगर आपको लगता है कि सवाल पूछा जाना ये जानबूझकर ये प्रोपेगंडा करने की कोशिश की जा रही है तो ये गलत फहमी है, जवाबदेही आप लोगों की, आप लोगों को जनता को जवाब देना ही पड़ेगा, देश की सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जवाब देने की है, सरकार है, सरकार चला रहे, नीति नियम कानून सारे फायदे लेने के लिए, मुझे ये बताइए 2011 में रिन्यूअल होता है उस वक्त आपकी सरकार थी, अगर उस वक्त ये सब हुआ उसका फायदा उठाया गया तो आप मानते हैं कि सरकार 2011 में और जितने अच्छे काम हुए उन पर कोई चर्चा नहीं है? अरेस्ट करिए, बंद करिए, खिलाफ कार्यवाही करिए, आप क्यों 18 तक कार्यवाही नहीं कर रहे? जांच पड़ताल चल रही है, 18 कैसे बन गया करीम को लाने के लिए? दाऊद क्यों नहीं आया अभी तक, और आतंकवादी क्यों नहीं आए? ठीक है, मैं आपका ही सवाल ले लेता हूँ शशि जी, जो दाऊद की बात कर रहे हैं कि दाऊद आखिर अब तक क्यों नहीं आया, अब फारूक टकला की गिरफ्तारी हो गई और उम्मीद की जा रही है कि कुछ मजबूत इनपुट्स उससे मिल पाएंगे, अब आपको लग रहा है कि दाऊद को वापस लाने का रास्ता थोड़ा सा आसान होगा? जब तक दाऊद पाकिस्तान में है,
मुझे नहीं लगता कि उसको यहाँ लाने का रास्ता आसान हो। नहीं, जो जानकारी जो ये है कि फारूक टकला की गिरफ्तारी जब हुई, जब यूएई में उसे पकड़ा गया था, तब दाऊद इब्राहिम की तरफ से खूब प्रयास किया गया था उसको पाकिस्तान बुलाया जा सके, लेकिन दाल नहीं गन पाई क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल वहां पर जब पहुंचे थे यूएई के दौरे पर तो तमाम साक्ष्यों को लेकर वहां पर पहुंचे थे और ये साक्ष्य काफी मददगार साबित हुए फारूक टकला को भारत लाने में। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा दाऊद के बारे में। जी जी, क्योंकि दाऊद को इवन ये यूएई ने भी मना किया हुआ है वहां आने के लिए जी, और दाऊद क्योंकि वो वहां नहीं है जी, और अगर वो पाकिस्तान में है पाकिस्तान उसको शेल्टर देता रहेगा, और जब तक पाकिस्तान में रहेगा वो हमारे लिए उसको हिंदुस्तान लाना इतना आसान नहीं होगा। अगर इतना आसान होता तो हाफिज सईद कब का इधर आ चुका होता। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने कुछ समय पहले कॉवर्ट ऑप्शन की बात की थी जो दिखाई नहीं देता, ये क्षमता भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर अमेरिका ओसामा बिन लादिन को वहीं निपटा सकता है तो हमें भी कुछ इस किस्म की क्षमताएं क्रिएट करनी पड़ेंगी। फिर क्या कीजिएगा जब ये सवाल उठा दिया जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दे दीजिए। हाँ। हमारे देश में इस तरह की बातें भी होती हैं। हाँ। खैर, हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि फारूक टकला को अब भारत तो लाया जा चुका है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि पासपोर्ट रिन्यूअल कैसे हुआ एक दिन के भीतर। देखिए, ऐसा है कि पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भी आजकल नियम इतने आसान बना दिए गए हैं शायद पब्लिक डिमांड पे, कि उससे काफ़ी गलत फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कि एक अभी नियम है कि अगर 35 दिन में अप्लाई करने के 35 दिन के अंदर आपकी पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है तो आपको पासपोर्ट आप मांग कर सकते हैं। हालत ये होती है कि 35 दिन में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, 3 वीक्स कर दिया, और साथ ही साथ ये भी कर दिया कि 3 वीक्स के बाद अगर पासपोर्ट इशू करने के बाद भी अगर पुलिस रिपोर्ट एडवर्स आ जाती है तो पासपोर्ट ऑफिस की जवाबदेही होती है, तो पासपोर्ट ऑफिस के लोग तो घिर जाते हैं इस तरह से। और पुलिस का जहां तक ख्याल सवाल है, मैं खुद पासपोर्ट ऑफिसर रहा हूं, मैं जानता हूं कि ऐसे भी केसेस मेरे सामने आए हैं कि एक जगह से पुलिस रिपोर्ट आई कि फला शख्स 2 साल यहाँ रहता हुआ पाया गया है और तस्दीक की जाती है, लेकिन उसने चूंकि लिखा था कि पिछले बहुत पहले कहीं और भी रहा था, वहाँ भी हमने भेज दी, वहाँ से आए कि ये 5 साल से यहाँ रह रहा है। तो इस तरह के पुलिस का पैसा खा करके ये सब कहना, और उसके बाद जब पुलिस की रिपोर्ट आ जाती तो हाथ बंध जाते हैं। एक चीज मैं आपसे सर और समझना चाहूंगा, ये रेड कॉर्नर्स नोटिस जिनके खिलाफ जारी हो जाता है जी, उसके बावजूद इस तरह से रिन्यूअल में जांच पड़ताल, जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस की जो जांच रिपोर्ट होती है। देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस जो होती है वो पासपोर्ट ऑफिस के पास नहीं होती। रेड कॉर्नर नोटिस किसी कंट्री के इंटेलिजेंस ब्यूरोज और पुलिस के पास होती है। अगर पुलिस उसके बावजूद वो कर देती है तो हमारे पासपोर्ट अधिकारी को पासपोर्ट ऑफिस में जानने का कोई जरिया नहीं होता कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है कि नहीं है। तो ये जांच एजेंसियों की नाकामी फिर इसमें कह सकता है, बेसिकली ये पुलिस की नाकामी मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस में इस तरह का है कि अगर आप रिपोर्ट के लिए भेजते हैं वो LIO चली जाती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वहां से कांस्टेबल आता है, आपको पैसा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वो एडवर्स लगा देता। और मेरे दौरान जब मैं लखनऊ पासपोर्ट ऑफिसर था तो केस हुआ था कि लखनऊ देहात के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पुलिस रिपोर्ट एडवर्स कर दी थी LIO वाले जी, क्योंकि कोई आया नहीं वहां से, उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय देखा और जिलाधिकारी निवास वो कर दिया। और जब मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को बताया कि देखिए आपके पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट दी है तो बेचारे समझ गए, तो ऐसी तो हमारी पुलिस की कार्यवाही कार्यप्रणाली है, यानी लूपहोल यहीं पर है, लूपहोल है बिल्कुल। जिम्मेदारी जो तय होने की बात हो रही है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होती है लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाई नहीं जाती है। अशोक ठाकुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब अजय वर्मा जी ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपने ठीकरा तो फोड़ दिया कि 2011 में रिन्यूअल हुआ, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी जसपाल अटवाल को वीजा कैसे मिल गया, इस बात का पता तो आप लोग लगा रहे हैं लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल अक्षय जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 100%
जो है कोई तय नहीं कर सकता कि 100% जो है चीजें सही होंगी। सिस्टम के अंदर हमेशा लूपहोल्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात जो गौर करने की है कि एक तो गलती से लूपहोल्स की वजह से जारी हो जाना और एक किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से उसको मदद करके जारी करना, आप तो चश्मा लगाए हमें इस अंतर को देखना पड़ेगा ऑफिसर के कि कांग्रेस के लोगों ने इंटेंशनली इसको भेजा है। अब आप आरोप लगा देंगे कि हम आरोप ये भी लगा सकते थे कि बीजेपी के कुछ आप मुझे उस वक्त बैठे थे और उन्होंने जानकर सरकार को बदनाम करने के लिए ये काम किया है। हम आरोप नहीं लगाते, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। आप मेरी बात पूरी करने दें मुझे, ठीक है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अशोक ठाकुर जी त्रिपाठी जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अटवाल के बारे में बताइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजय जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ सर, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। जेके त्रिपाठी जी कुछ आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं। नहीं सवाल नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में आप किसी भी राजनीतिक दल को न घसीटिए, क्योंकि अगर आप अटवाल का केस देखें, 82 में अटवाल गिरफ्तार हुए थे वहाँ कनाडा में पंजाब के एक मंत्री की हत्या की कोशिश की साजिश में और 20 साल की सजा हुई थी। 2002 में छोड़ दिए गए। 2002 से 2011 तक उसका कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड कनाडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। 2011 में उसके बाद अगर उनको पिछले साल वीसा इशू हुआ, 17 में अगर वीसा इशू हुआ तो वो भी अपने आप नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि कनाडा के प्रधानमंत्री के ऑफिस के सलाहकार ने अपनी रिकमेंडेशन ऑफिशियल भेजी थी। तो अगर किसी आदमी का नाम 2002 से 2017 तक किसी भी वांटेड लिस्ट में नहीं है, और क्योंकि मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि नहीं है, नहीं तो उसको वीसा नहीं इशू होता, और ऊपर से प्रधानमंत्री के कार्यालय से एक ऑफिशियल रिकमेंडेशन आती है, रिक्वेस्ट आती है, तो मेरे ख्याल से वीसा न देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इस चीज को अब दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने, ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल अशोक ठाकुर जी, नहीं मैंने बात हम भी कह रहे थे। मैंने वही कहा मैंने कि इस बात को समझना पड़ेगा कि उनको किन परिस्थितियों में पासपोर्ट दिया गया या वीजा दिया गया। लेकिन जहां तक सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जहां तक आप ये देखिए कि 10 साल के अंदर कांग्रेस शासन में पूरा खुफिया तंत्र हमारा जो है वो ध्वस्त हो गया था। जिस तरह से खुफिया तंत्र के खिलाफ आईबी के खिलाफ के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई इशरत जहां केस में, तो कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र का मनोबल बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद हमने खुफिया तंत्र को मजबूत किया है। आज आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारे पास इनपुट्स हैं, इसी वजह से हम सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए, इस वजह से हम लगातार कार्रवाई कर पा रहे हैं और उसी की वजह से। ठाकुर जी अभी आपने कहा कि ये जांच पड़ताल की जा रही कि किस स्तर पर, जब अटवाल की बात आई तब आपने कहा ये पता लगाया जाएगा कि किस स्तर पर उसे आने का मिला, तो आप ये सीधा आरोप कैसे लगा सकते हैं उस पर जांच हो रही है? पिछली सरकार में अगर किसी का वीजा किसी का पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है तो आप सीधा आरोप लगा दे रहे हैं। जांच पड़ताल तो चल रही है ना, थोड़ा धैर्य रख लेते। मैं केवल इतिहास की बात कर रहा हूं। अभी अटवाल साहब की बात हो रही है। जनरल सिंह भिंडरवाला जो है वो किसकी देन थी? सारी दुनिया को यह पता है कि कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने उसकी पीठ पर हाथ रखा था, और कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने तो यह स्वीकार किया था। वर्तमान में कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने तो यह स्वीकार किया था कि जनरल भिंडरवाला को कांग्रेस की तरफ से आर्थिक मदद जाती थी, उनके बारे में बताइए। उसके बाद ठीक है, जो विनायक सेन आज जेल में है, उनको भी सुन लीजिए। अजय वर्मा जी अब आप अपनी बात पूरी, जो विनायक सेन आज जेल में है, ठीक अशोक ठाकुर जी मैं आपके पास आ, और किस प्रकार इन्होंने अफजल गुरु को इन्होंने समर्थन किया, इनके नेता राहुल गांधी ने उसके समर्थन में जेएनयू गए, तो ये सब बातें किस तरह से आप समझ सकते हैं कांग्रेस का चरित्र क्या है? अशोक, इन्होंने हार्डकोर आतंकवादी शाहिद लतीफ, सरकार के जो काम है जो जो पठानकोट उन कामों पर फोकस हो तो उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, पठानकोट अटैक के जो हार्डकोर आतंकवादी थे शाहिद लतीफ और उसके साथ लगभग 20 आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ने का काम किया अपने समय में। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। जो सिक्योरिटी फोर्सेज मेहनत कर रही थी उसको इन्होंने धता कर दिया।
आप जनता के बीच में, अब तो चुनावी बेला भी नजदीक आ रही है, जब ये आरोप लगाए जाएंगे तो जनता के बीच में जब आप लोग जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? देखिए, पूरे देश की जनता और ये जो एक जुमला चला था, भाइयों बहनों मित्रों, 130 करोड़ देशवासियों, ये 2019 का इंतजार कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं, बेरोजगारी के ऊपर जवाब मांग रहे हैं, सीमा सुरक्षा पर, आतंकवाद पर, देश की जीडीपी पर, देश की भूखमरी पर, देश की असामाजिक अर्थव्यवस्था पर, मतलब हर मुद्दे पर, काले धन के ऊपर। लेकिन बस एक काम ये सरकार बाखूबी निभा रही है, बाखूबी कर रही है, 70 साल को कोसना, अपने किसी भी आकलन को नहीं बताना, पीछे की हर खमियां। अब जीएसटी जैसे लगा दी गई है, अब जीएसटी पे पूरा देश की जनता नाराज है, तो ये गाने लगे मोदी जी गए कांग्रेस के लिए। आप ये बताओ कि 57 जिलों में, अरे यार 57 है, पहले सुन तो लीजिए। गोविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये 250 कैसे हो गए, इधर उधर की बातें भी है। सरकार 10 साल क्या करती रही, सीधा आंकड़ा कितने कश्मीर के मसले पे आप फेलियर हैं। पीडीपी की सरकार आप चला रहे हैं, देशद्रोहियों की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, त्रिपुरा में भी आप यही काम करने जा रहे हैं। दो आपने भी तो सालों ये किया, दो विधायक कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बना रहे हैं, उनके नेताओं की भाषा आपने सुनी है पाकिस्तान को लेकर, इलेक्शन कमीशन से ये मुद्दा ना भटकाव वाला भटकाएंगे, आम जनता के समय की बर्बादी है, ऐसा बिल्कुल देना चाहते हैं। गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, तानाशाही या तो परिवर्तन, मंदिर पे कोई ताना परिवर्तन करेंगे, 370 पे कुछ नहीं करेंगे, गाय पे कुछ नहीं बोलेंगे आप, तो फिर ऐसा करिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके यहाँ तानाशाही डिक्टेटरशिप लागू कर दीजिए किम जोंग की तरह। और नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ 370 पर साथ बताऊंगा, किम जोंग की तरह आप यहाँ तानाशाही लागू कर दीजिए, 370 उसका तानाशाही नियुक्त कर दीजिए और आप उनके सैनिक बन जाइए, ये संविधान में संशोधन कर दीजिए। आप सवाल छोड़ते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी करने लगते हैं। आपने भी 370 का जिक्र किया, क्या कांग्रेस पार्टी साथ में छोड़ते हैं, हर कांग्रेस पार्टी साथ में है? हाँ, हाँ, करते हैं। अजय वर्मा जी आपने अभी जिक्र किया 370 पे, उस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाते हैं? कांग्रेस पार्टी सपोर्ट में है, देखिए कुछ होना चाहिए। हाँ मैं बताता रहा हूँ, इनके एजेंडे में प्रमुखता के तौर पर मंदिर था, 370 था, कश्मीर था, ये उस पर पहल करेंगे कांग्रेस। अजय वर्मा जी इनके साथ रहेगी नहीं, आपको लगता है कि 370 पर कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? मैं पहले इससे पहले एक चीज तो कह दूं, बीप पे उत्तर प्रदेश की अलग पॉलिसी है, मेघालय की अलग पॉलिसी है, नॉर्थ ईस्ट की अलग पॉलिसी है। अरे गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो, गाय की बात कर रही है, ये वही भटकाने वाली बात, भटकाने वाला नहीं कह रहा मैं, फिर मैं उस मुद्दे पे बताऊंगा आपको। गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम की कमियां, उन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि लूप होल से सब कह रहे हैं कि स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है अजय वर्मा जी, सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सिस्टम में हमारे लूप होल्स हैं, सब जानते हुए भी अगर उन लूप होल्स को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती है तो ये फेल्योर किसका है? देखिए, तो सिस्टम का फेल्योर है और सरकारों का फेल्योर है, क्योंकि अंततः जिम्मेदारी सरकारों की होती है। सिस्टम ठीक से चले, आम आदमी और वीआईपी और सुपर वीआईपी के बीच में कोई फर्क ना हो, जो नियम कानून हो वो सबके लिए एक जैसे हो, और जो नियम कानून हो वो उनको उनका जो पालन है वो ढंग से किया जाए। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि विशिष्ट लोगों के लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, और वो विशिष्ट अपराधी भी हो सकते हैं, वो बहुत धन कुबेर भी हो सकते हैं, वो आर्थिक अपराधी भी हो सकते हैं, वो तमाम तरह के लोग हो सकते हैं। हमने देखा है कि आर्थिक अपराध में एक व्यक्ति बंद होता है तो उसको अदालत इस बात की इजाजत देती है कि वो जेल के अंदर अपना सेक्रेटरीट चला सके, अपनी सेक्रेटरी रख सके, अपने व्यवसाय को चलाने कर पैसा लाने की बात कर सके, ये आम आदमी के लिए नहीं हो सकता। हम तो जिम्मेदारी सरकारों की है, सरकारों को गंभीरता से चीजों पर काम करना चाहिए। और एक पासपोर्ट का ही सवाल नहीं, आप देखिए तमाम चीजों में, आप आधार को लागू करने पर बहुत प्रतिबद्ध हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन उसके बावजूद 50 जगह आधार के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन आधार में ही कितनी तरह के छेद हैं, और आधार को लेकर आप राशन बिना आधार के नहीं मिल सकता। अभी खबरें आई हैं कानपुर और अनेक जगहों से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला है जिसके हाथ के निशान मशीन ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो मैच नहीं कर रहे क्योंकि हाथ घिस गए हैं गरीबी और उम्र के वजह से। अब आप ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? आप नियमों को इस तरह से क्यों नहीं बनाया जा सकता कि जब तक वो परफेक्ट सिस्टम ना हो तब तक आप लोगों को किसी तरह की छूट दीजिए, और जब सिस्टम परफेक्ट हो तो फिर उसके हिसाब से सब कुछ हो। अभी गोरखपुर उपचुनाव में विराट कोहली वहां वोटर बने,
कौन एक इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी उसका वोटर आईडी कैसे आप बना सकते हैं? और वोट इस देश को हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, तो अगर आप उस वहां चीजों को ठीक नहीं कर सकते तो पासपोर्ट तो बहुत बड़ी चीज है और उसमें तो जो जिसके पास पैसा है वो तमाम तरह से सुविधाओं के जरिए तमाम तरह के फायदे उठा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जब तक कड़े नियमों को बनाया नहीं जाएगा इस तरह की चीजों के लिए और वो आम और खास सबके लिए एक जैसी नहीं होंगी, तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती और इसी तरह की समस्याओं से हमको रूबरू होना है। अशोक ठाकुर जी, एक फाइनल रिएक्शन कि जो इस चर्चा के दौरान तमाम चीजें आई हैं कि अब सिस्टम को और सख्त करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि आप भी इस बात को अच्छे समझते हैं कि एक आम आदमी को एक साधारण सा अगर कोई प्रमाण पत्र भी हासिल करना होता है तो चप्पल घिसनी पड़ जाती। अक्षय जी बिल्कुल, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और लगातार सुधार की आवश्यकता होती है और हमारे पुलिस जो सुधार है उसको भी लागू करने की बहुत आवश्यकता है, इसमें राज्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। जहां तक हमारी सरकार की बात है हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा कि 15,000 एनजीओ की जो है हमने जो विदेशों से फंडिंग लेते थे और कहीं ना कहीं उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी, हमने उनको दाऊद कब तक भारत आ पाएगा? अजय वर्मा जी भी इस बात को जानना चाह रहे हैं और आपने जो इस बात को लेकर कहा कि एक बड़ी उपलब्धि है कि फारूक टकला को हिंदुस्तान लाया जा सका और ये काफी मुफीद होगा, आपको भरोसा जागा है कि दाऊद भी बहुत जल्द भारत में होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दाऊद का भाई भी अब हमारे कब्जे में है, उसका गुर्गा भी अब हम यहाँ ले आए हैं। 2018, 20, 22, 24 निश्चित तौर पर दाऊद भी एक ना एक दिन भारत में जेल के सलाखों के पीछे होगा। 25, 28, 29 आप एक कह दो, 18, 23 या 29 फिर हमारी आखिर सरकार कब तक अपनी जिम्मेदारियों से बचती रहेगी? आप एक डेट फिक्स कर दीजिए लेना चाहता हूँ कि सारी विफलताएं कांग्रेस के ऊपर 2023 तक या 2028 तक है, फिर अपनी जिम्मेदारी हम ले लें। चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है, अगर कुछ बता पाए अशोक ठाकुर जी, अजय वर्मा जी के सवाल का जवाब दे दीजिए कि कोई समय सीमा अगर सरकार ने तय की है, निश्चित कर दो हम अपनी विफलता फिर लेनी शुरू कर दे, अभी तक तो हम फिर आपको जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे। अजय वर्मा जी आप आश्वासन दीजिए कि आपके जो नेता पीछे ने दरवाजे से मदद करते हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे। हमारे तो कोई नेता मदद ही नहीं करेगा। फिर आरोप प्रत्यारोप की बात है, चर्चा के समापन का वक्त है, बड़ी माफी के साथ हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि जो सिस्टम में कमियां हैं नहीं मदद करेंगे, दाऊद कब तक आएगा ये बताइए, दुनिया जानती है इस बात को, दाऊद कब तक लाएंगे आप? अजय वर्मा जी अब चर्चा के समापन का वक्त है, दाऊद की भी मदद करते हैं, अशोक ठाकुर जी कहा है सिस्टम की कमियां हैं, सिस्टम की कमियों के लिए सबसे बड़ी चीज एक तो आपको नियम सख्त बनाने चाहिए, दूसरा उससे भी ज्यादा नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए और तीसरा हमारी जनता को भी ये उनके मनोवृत्ति बदलनी चाहिए कि कानून का पालन करना जरूरी है, नहीं तो हम आज बैठ के कानून के पालन की बात करते हैं कि ट्रैफिक ऐसा हो रहा है, कल ट्रैफिक में पकड़े जाते हैं तो हम अपने कनेक्शंस बताने लगते हैं। चले बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं, आप की तो बात करते हैं, जस्टिस लोहिया के केस को पूरा देश और पूरा सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जस्टिस लोहिया पर कल बात कर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा, वक्त का बेहद अभाव है, लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि जो सिस्टम में कमियां हैं उन सिस्टम की कमियों को दूर करने के प्रयास तेजी के साथ होने चाहिए और साथ ही ऐसे लोगों की पहचान भी होनी चाहिए जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने वाले लोगों की मदद करते हैं, सच सामने आना चाहिए, कार्रवाई भी होना चाहिए और सिस्टम की कमियों को भी दूर किया जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।